तो हेलो दोस्तों, फ्री फायर से जुड़े कुछ सबसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट से भरे एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्री फायर से रिलेटेड कुछ ऐसे कमाल के अमेजिंग और यूनिक फैक्ट्स बताने वाला हूं, जिन्हें सुनकर आपका जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह का होगा। चाचा गजब, चाचा कमाल कर दिया चाचा आपने। क्या आपको पता है कि फ्री फायर का सबसे रेयर गन कौन सा है, यानी वो कौन सा गन है जो मैप में बहुत ही कम मिलता है? और क्या आपने फ्री फायर का सबसे पहला वन टैप हेडशॉट वाला वीडियो देखा है? और क्या आप ये जानते हैं कि फ्री फायर में जो एरोप्लेन है उस एरोप्लेन की स्पीड कितनी है? तो इन्हीं सवालों का जवाब और फ्री फायर से रिलेटेड कुछ सबसे अननोन और यूनिक फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि फ्री फायर का सबसे पहला मिस्ट्री शॉप कौन सा था और ये पहला मिस्ट्री शॉप आया कब था? तो दोस्तों, फ्री फायर का जो सबसे पहला मिस्ट्री शॉप है ये 20 नवंबर 2018 को आया था। और जैसा कि अभी के समय में जो गेम में मिस्ट्री शॉप आते हैं उनमें आपको एक मेल और एक फीमेल बंडल दोनों ही देखने को मिल जाता है, लेकिन फ्री फायर का जो सबसे पहला मिस्ट्री शॉप था उसमें आपको सिर्फ एक फीमेल बंडल दिया जा रहा था। और इस फीमेल बंडल का नाम था डार्क एंजल बंडल। और ये डार्क एंजल बंडल कुछ इस तरह का दिखता था, जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये फीमेल बंडल, ये डार्क एंजल बंडल फ्री फायर के वन ऑफ द मोस्ट रेयर बंडल्स में से एक है, क्योंकि ये बंडल फ्री फायर के सबसे पहले मिस्ट्री शॉप में दिया जा रहा था। और इस बंडल के साथ साथ आपको फ्री फायर के सबसे पहले मिस्ट्री शॉप में इमोट्स, कैरेक्टर्स और भी बहुत कुछ डिस्काउंट में मिल रहे थे। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या आपको पता है कि फ्री फायर का सबसे पहला फीमेल बंडल कौन सा है? तो दोस्तों, फ्री फायर का जो सबसे पहला फीमेल बंडल है वो कुछ इस तरह का दिखता है, जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस बंडल का जो शर्ट है वो दो कलर का है, एक ब्लैक कलर का और एक पिंक कलर का। और जो पैंट है इस बंडल का वो एक ही है, शर्ट है जो वो दो कलर के हैं। और ब्लैक शर्ट पहनिएगा आप तो आपको ये बंडल कुछ इस तरह का दिखेगा, और अगर पिंक कलर का शर्ट पहनते हैं तो आपको ये बंडल पिंक शर्ट में कुछ इस तरह का दिखेगा। और इस बंडल का नाम तो मुझे नहीं पता चल पाया, क्योंकि कुछ अलग ही लैंग्वेज में था। मैंने ये जो निकाला है क्लिप, ये कुछ अलग ही लैंग्वेज में था, इसलिए इस बंडल का नाम तो नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन ये जो बंडल आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये फ्री फायर का सबसे पहला फीमेल बंडल है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि गेम में ये जो मेडिकिट का आइकन है ये अभी के समय में कुछ इस तरह का दिखता है, यानी अगर आप मेडिकिट उठाने जाते हो कहीं तो जब आप मेडिकिट के पास पहुंचते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का आइकन नजर आता है अभी के समय में गेम में। लेकिन जब फ्री फायर लॉन्च हुआ था तब स्टार्टिंग के समय में ये जो मेडिकिट का आइकन है वो कुछ अलग तरह का था, इसका जो कलर है वो कुछ डिफरेंट था। जी हाँ, सही सुना आपने, जो मेडिकिट है वो पहले भी गेम में वैसा ही दिखता था जैसा अभी दिखता है, लेकिन जो मेडिकिट का आइकन है वो पहले कुछ अलग दिखता था, जैसा कि आप अभी हमने स्क्रीन पर भी देख सकते हो। ये कुछ रेड कलर का दिखता था जब आप मेडिकिट को लूटने जाते थे, यानी अभी के अकॉर्डिंग जो पहले मेडिकिट का आइकन है गेम में वो डिफरेंट दिखता था। और मैं पक्का श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये फैक्ट आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि फ्री फायर का सबसे रेयर गन कौन सा है, यानी वो कौन सा गन है जो मैप में सबसे कम मौजूद होता है, चाहे परगेटरी मैप हो, कलहारी मैप हो या बरमुडा मैप हो, ऐसा कौन सा गन है जो सबसे कम मिलता है इन सभी मैप्स में? तो दोस्तों, बाउंटी टोकन, रिसप्लाई और ड्रॉप में मिलने वाले गन्स को छोड़कर फ्री फायर का जो सबसे रेयर गन है उस गन का नाम है VSS। जी हाँ, सही सुना आपने, जो VSS गन है वो गेम के सभी मैप्स में बहुत ही कम मिलता है, और इसीलिए VSS फ्री फायर का सबसे रेयर गन है, ये बहुत ही कम मिलता है मैप में। और दोस्तों, आपने गेम में नोटिस भी किया होगा कि ये जो VSS गन है ये बहुत ही कम मिलता है। और इसके कम मिलने का एक रीजन ये भी है कि इसका जो इस गन का जो यूज है वो प्लेयर्स उतना ज्यादा नहीं करते। और VSS गन से ज्यादा तो VSS गन के अपग्रेडेड वर्जन जो VSS X गन है वो आपको गेम में ज्यादा देखने को मिल जाता है VSS गन के अकॉर्डिंग। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि फ्री फायर का जो सबसे रेयर गन है उस गन का नाम है VSS, और ये VSS गन पूरे मैप में आपको दो ही या तीन जगह पड़ा देखने को मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि जब आप एक क्लासिक या रैंक मैच खेलते हैं तो उस मैच को खत्म होने में एग्जैक्ट कितना समय लगता है, यानी एक क्लासिक या रैंक गेम को पूरा कम्प्लीटली खत्म होने में एग्जैक्ट कितना टाइम लगता है? तो दोस्तों, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि फ्री फायर एक 10 मिनट का सर्वाइवल गेम है, यानी फ्री फायर का एक मैच कम्प्लीट होने में 10 मिनट लगते हैं, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये गलत है। दोस्तों, फ्री फायर का एक क्लासिक या रैंक मैच को पूरा कम्प्लीट होने में एग्जैक्ट 18 से 19 मिनट लग जाते हैं,
जी हाँ, सही सुना आपने। जब आप एक क्लासिक या रैंक गेम खेलते हैं, चाहे सोलो खेलिए, डुओ खेलिए या स्क्वाड खेलिए, गेम को पूरा लास्ट तक एंड होने में, यानी जो लास्ट जोन है वहाँ तक पूरा कंप्लीट होने में, यानी जो लास्ट जोन जब सबसे छोटा हो जाता है वहाँ तक एक क्लासिक या रैंक गेम को कंप्लीट करने में 18 से 19 मिनट लग जाते हैं। यानी फ्री फायर का जो एग्जैक्ट सर्वाइवल टाइम है वो है 18 से लेकर 19 मिनट तक। तो दोस्तों, अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि अरे मैंने तो कल क्लासिक खेला, 10-15 मिनट का तो मैच ही था, बोया भी ले लिया। तो दोस्तों, यहाँ मैं बोया लेने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, लास्ट जोन तक मैच को खत्म होने में कितना एग्जैक्ट कितना टाइम लगता है। यानी जैसे आप मैच को स्टार्ट करते हो, जब आपके सामने एरोप्लेन आता है, यहाँ स्टार्टिंग से लेकर जो लास्ट जोन जब पूरा श्रिंक हो जाता है, लास्ट जोन जब पूरा छोटा हो जाता है, वहां तक एक क्लासिक या रैंक मैच को खत्म होने में एग्जैक्ट 18 से 19 मिनट लग जाते हैं। यानी एक क्लासिक या रैंक गेम को जब एरोप्लेन आता है, वहां स्टार्टिंग से लेकर जब पूरा जोन, जो छोटा जोन है, लास्ट जोन है, वो श्रिंक कर जाता है, पूरा छोटा हो जाता है, वहां एंडिंग तक एक क्लासिक या रैंक गेम को पूरा कंप्लीट होने में 18 से 19 मिनट लग जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों फ्री फायर के जो बिल्कुल ही ओल्ड प्लेयर्स हैं वो ये बात जानते होंगे, और जो न्यू प्लेयर्स हैं उन्हें मैं बता दूं कि अभी के समय में गेम में जब आप एरोप्लेन से जंप करते हैं तो जंप करते ही आपके पैरों में स्केटबोर्ड आ जाता है। यानी अभी आप जैसे ही जंप करते हैं एरोप्लेन से तो आप स्केटबोर्ड में सर्फिंग करने लगते हैं, यानी स्केटबोर्ड में तैरने लगते हैं हवा में, और फिर धीरे धीरे नीचे जाते हैं, और फिर पैराशूट ओपन होता है, और फिर आप जमीन पर लैंड करते हैं गेम में। लेकिन ये जो स्केटबोर्ड सर्फिंग वाला फीचर है, ये पहले के समय में गेम में नहीं था जब गेम लॉन्च हुआ था। तो पहले के समय में जब आप एरोप्लेन से जंप करते थे तो आप बिना किसी स्केटबोर्ड के जंप करते थे, और जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि फ्री फायर जब लॉन्च हुआ था, तब जब प्लेयर एरोप्लेन से जंप करता था तो वो बिना किसी स्केटबोर्ड के जंप करता था, वो सीधा हवा में तैर कर नीचे आता था, और फिर धीरे धीरे जो पैराशूट है वो ओपन होता था, और फिर प्लेयर सक्सेसफुली लैंड करता था। यानी पहले जो है स्केटबोर्ड वाला सिस्टम नहीं था, पहले आप बिना स्केटबोर्ड के लैंड करते थे, हवा में आप सीधे नीचे आ जाते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि गेम में ये जो स्केटबोर्ड सर्फिंग वाला फीचर है, यानी जब आप एरोप्लेन से लैंड करते हैं तो आप जो स्केटबोर्ड लेकर लैंड करते हैं, ये स्केटबोर्ड सर्फिंग वाला फीचर गेम में लॉन्च कब हुआ था? तो दोस्तों, ये जो स्केटबोर्ड सर्फिंग वाला फीचर है, ये फीचर हमारे गेम में लॉन्च हुआ था 24 सितंबर 2018 को, और 24 सितंबर 2018 से पहले जब आप एरोप्लेन से जंप करते थे गेम में तो आप बिना किसी स्केटबोर्ड के जंप करते थे। ये स्केटबोर्ड सर्फिंग वाला फीचर जो है 24 सितंबर 2018 को हमारे गेम में ऐड किया गया था OB17 अपडेट के बाद, और इस अपडेट के बाद ही, यानी 24 सितंबर 2018 के बाद ही गेम में आपको ये जो स्केटबोर्ड सर्फिंग वाला फीचर है ये देखने को मिला था। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों फ्री फायर में ये जो वन टैप हेडशॉट वाला फीचर है, जिसे मारने और देखने में काफी कूल सी फीलिंग आती है, इस वन टैप हेडशॉट का जो क्रेज है अभी के समय में कुछ अलग ही लेवल का हो चुका है पूरे फ्री फायर कम्युनिटी में। और बहुत लोग ये जानते भी होंगे कि ये जो वन टैप हेडशॉट है, इसे इन्वेंट किया था, यानी इसे खोजा था BNL नाम के एक प्लेयर ने। लेकिन क्या आपने BNL का वो पहला वीडियो देखा है जिसमें वन टैप हेडशॉट को डिस्कवर किया था BNL ने, यानी जो वन टैप है उसे इन्वेंट किया BNL ने, और फिर उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने वन टैप के क्लिप्स डाले और बताया कि वन टैप नाम की भी कोई चीज़ होती है, और ये जो वीडियो है फिर बहुत फेमस हुआ, और फिर फ्री फायर के बाकी के प्लेयर्स को पता चला, पूरे फ्री फायर कम्युनिटी को पता चला कि फ्री फायर में वन टैप नाम की भी कोई चीज़ होती है, और फिर ये जो है पूरी दुनिया में फैल गया कि वन टैप हेडशॉट भी कोई चीज़ है फ्री फायर में। लेकिन क्या आपने BNL का वो पहला वीडियो देखा है जिसमें BNL ने हेडशॉट्स के बारे में वन टैप हेडशॉट को दिखाया था पहली बार? यानी इन शॉर्ट बोले तो क्या आपने फ्री फायर का सबसे पहला वन टैप हेडशॉट वाला वीडियो देखा है? तो दोस्तों, फ्री फायर का जो सबसे पहला वन टैप हेडशॉट वाला वीडियो है, उस वीडियो को BNL ने अपने चैनल पे अपलोड किया था 30 नवंबर 2019 को, और उस वीडियो का टाइटल है बेस्ट M10-14 प्लेयर ओनली वन शॉट फ्री फायर। और अभी आप जो बैकग्राउंड में वीडियो चलता हुआ देख रहे हैं, यही फ्री फायर का सबसे पहला वन टैप हेडशॉट का वीडियो है, और इसी वीडियो में BNL ने वन टैप का इन्वेंट किया था, और यही वीडियो बाकी के प्लेयर्स तक पहुंचा, पूरे फ्री फायर के प्लेयर्स तक, और फिर कुछ लोगों को पता चला कि फ्री फायर में वन टैप नाम की भी कोई चीज होती है। इस वीडियो की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जाकर इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि वन टैप हेडशॉट को BNL ने 2019 के लास्ट मंथ में डिस्कवर किया था, यानी नवंबर 2019 में ये जो वन टैप है इसे इन्वेंट किया गया था। और जैसा कि हम सभी को पता है कि ये जो वन टैप है ये 2020 में बहुत ज्यादा ट्रेंड में आया और अभी भी बहुत ट्रेंड में है। क्या आपको पता है कि फ्री फायर में जो एरोप्लेन है उस एरोप्लेन की स्पीड कितनी है? यानी जब आप कोई क्लासिक रैंक या कोई भी गेम खेल रहे हो फ्री फायर में जिसमें एरोप्लेन आता हो,
ये एरोप्लेन कितने स्पीड के साथ चल रहा होता है, क्या आपको ये पता है? तो दोस्तों फ्री फायर में मौजूद एरोप्लेन के स्पीड को निकालने के लिए मैंने फिजिक्स की हेल्प ली। दोस्तों फिजिक्स ये कहता है कि अगर आपको किसी भी चीज की स्पीड निकालनी है तो आपके पास दो चीजें होनी जरूरी है, एक डिस्टेंस और एक टाइम, क्योंकि फिजिक्स में स्पीड को निकालने का एक फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो चलिए पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। तो दोस्तों फ्री फायर का जो एरोप्लेन है वो जो है 1700 मीटर डिस्टेंस को कवर करता है जब वो पूरे मैप को क्रॉस करता है। तो यानी जो एरोप्लेन का रडार है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो आप ये रेड लाइन देख रहे हैं जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये रेड लाइन जो है ये पूरा 1700 मीटर का है, यानी जो ये पूरा रडार है इसकी डिस्टेंस है 1700 मीटर, और जो एरोप्लेन है फ्री फायर का वो 1700 मीटर डिस्टेंस को 44 सेकंड में कवर करता है, यानी 44 सेकंड में इस 1700 मीटर के रडार को एरोप्लेन जो है वो कवर कर लेता है। और दोस्तों ये जो डिस्टेंस और टाइम है ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा, मैंने खुद जाकर गेम में ये सब टेस्ट किया, मैंने ये जो डिस्टेंस है उसे नापा, टाइम को देखा एरोप्लेन कितने टाइम में ये जो डिस्टेंस है उसे कवर करता है, ये डिस्टेंस कितना है ये मैंने खुद नापा है। और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप जाकर गेम में चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास डिस्टेंस और टाइम दोनों ही है, तो चलिए अब निकालते हैं स्पीड को। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस है हमारा 1700 मीटर और टाइम है 44 सेकंड, और अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो आपका जो स्पीड निकलता है वो है 38 मीटर पर सेकंड, अप्रॉक्स 38 मीटर पर सेकंड निकल रहा है आपका स्पीड एरोप्लेन का। यानी जो फ्री फायर का एरोप्लेन है उस एरोप्लेन का स्पीड है 38 मीटर पर सेकंड, यानी फ्री फायर का जो एरोप्लेन है वो एक सेकंड में 38 मीटर डिस्टेंस को कवर करता है। और दोस्तों एरोप्लेन की जो स्पीड है वो मैंने आपको सेकंड का ही बताया, मिनट या आवर का नहीं बताया, क्योंकि जो एरोप्लेन है वो एक मिनट के अंदर ही 44 सेकंड के अंदर ही पूरे 1700 मीटर के डिस्टेंस को कवर कर लेता है, और इसलिए मैंने जो आपको स्पीड है एरोप्लेन की वो सेकंड में ही बताया। और एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि फ्री फायर का जो एरोप्लेन है उस एरोप्लेन की स्पीड है 38 मीटर पर सेकंड। और अगर आपको फ्री फायर के एरोप्लेन की पर मिनट और पर आवर की स्पीड जाननी है तो ये देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पे खत्म होती है, वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्री फायर और इन्फॉर्मेशन लवर दोस्तों में इस वीडियो को तो शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही यूनिक वीडियो है। और हाँ कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही कमाल के वीडियोज हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।